काट रहा है, काट रहा है नहीं, गुदगुदी सी हो रही है, मतलब काटने जैसा कर रहा है कि चाट रहा है। हाँ चाट ही रहा है, इसके दांत ढंग से नहीं आए, थोड़े थोड़े छोटे छोटे से आए। तेरे को वैसे काट रहा है, मुझे मन आ गया, मैं नहीं डरता, इसको भी पागल करेगा तू। हमारा लोकल दूध के पोथी होते हैं। हाँ, वो लामा लोग नहीं पढ़ के अपना घर के लिए शांति सुख होने के लिए। तो ये रोज करते हो? रोज नहीं, कभी कभार करते हैं, ये साल भर में कभी दो तीन साल में। अच्छा, तभी करते हैं। मंदिर में से? मंदिर से ले जाते हैं ना, हमारा नहीं है, ये गांव वाले का देवी माँ का है कि हाँ हम इधर ला के अपने घर में 10-12 दिन पोथी करके फिर वापस मंदिर छोड़ने के लिए ना, तब पूजा पूजा करके ले जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत पूजा थी। अच्छा लग रहा था वो म्यूजिक। आज भी जो भी पहन के बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अरे क्या बात, अच्छा यहाँ का कोई डांस होता? डांस नाचने वाला हमारे को सिखाओ ना थोड़ा सा। अभी सिखाने का टाइम नहीं है हमारा ना। एक हमारे साथ। अच्छा थैंक यू। सफ़र की एक और सुबह, खूबसूरत इतनी कि एक पल को मंजिल की चाहत भी ख़त्म हो जाए। गुनगुनी धूप, गालों को सहलाती ठंडी हवा, वो बर्फ़ से ढके पहाड़, वो चंचल बहती नदी, वो देवदार के पेड़, और इन सब के बीच बसा हिंदुस्तान का आखिरी गांव चटकुल। जितना सरल ये गांव है, उतने ही यहाँ के लोग भी। प्रकृति से जो भी मिलता है उसी में खुश हो जाते हैं। ये गांव, ये गलियां, ये पहाड़, यही इनका संसार है। हम तो अपने संसार में कुछ ना कुछ पाने के लिए जीते हैं, पर ये लोग, ये सिर्फ जीने के लिए जीते हैं। एकदम अगर 2 मिनट अगर कहीं पे अगर चुपचाप खड़े रहोगे ना, तो एक एक चीज़ सुनाई दे रही है। जो सुकून है ना उसका, हवा एकदम जो पास हो रही है, यहाँ के लोग ना एकदम अपने में खुश हैं। मतलब इनको कुछ ज़्यादा कुछ ना पता लगाना नहीं है यहाँ पे, मतलब इनकी अपनी एक छोटी सी दुनिया है बस। बोलते ना ऐसे कि एक कहावत है ना ऐसे कुछ कि किसी के लिए छोटी सी दुनिया भी बहुत होती है और किसी के लिए पूरी दुनिया भी कम, ऐसा ही हिसाब है यहाँ पे। मैं लोगों से मिला, लोगों से बात बात किया, तो उनको ऐसा लगा कि मतलब वो खुश हैं यहाँ पे, उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। तो सपना है यहाँ पे, छोटा सा घर है, लोग घर के सामने उन्होंने ऐसे खेती वगैरह कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने अपनी फील्ड डाल के रखी थी। खुश हूँ बस मैं बहुत ज़्यादा कि मतलब मैं यहाँ ऐसी जगह पर आ पाया यार। मतलब देखो व्यू, देखो व्यू का क्या बोलूँगा, व्यू तो मतलब ऐसा है कि ड्रीम, मतलब ना ऐसा लगता है पेंटिंग है, मतलब ऐसे किसी ने वैसे पेंट कर दिया है ऐसा सब कुछ।
बोले राज जी। नमस्कार जी। अच्छा तो मेरे को बताओ आपका ये गेस्ट हाउस जो है ये किससे बना हुआ है? ये लकड़ी का। अच्छा, और ये अभी जब ठंड वंड पड़ती है, हाँ जी, जब स्नोफॉल वगैरह होता है, बारिश वगैरह होती है, हाँ जी, अभी इस लकड़ी को कुछ होता नहीं है? नहीं जी, इसको मतलब इतना ज़्यादा नहीं फर्क पड़ता है, ये थोड़ा हवा पानी से इससे क्या खराब नहीं होगा, लाइफ बहुत है, 30 साल पुराना है। 30 साल पुराना है? हाँ जी। अच्छा, मतलब अभी ये मतलब इंडिया का लास्ट विलेज है? हाँ जी। तो ये सुन के ही कैसा लगता है आपको, पहले से पता था कि बाद में पता चला ये चीज़? नहीं नहीं नहीं, हमारे को तो पहले तो ऐसा लगता था हमने पता नहीं कहाँ बस गए। अच्छा, अब पता लग रहा है कि इस जगह का क्या कीमत है। अच्छा, सब बोलते हैं बहुत सुंदर जगह, बहुत सुंदर जगह, हम तो रोज देख देख के सुंदर लगता नहीं है। अच्छा, बाकी अभी तो सीजन कभी शुरू होता है? सीजन इधर वैसे अप्रैल से स्टार्ट होते हैं टूरिस्ट आना, तो जून जुलाई रश होता है, पूरा पैक रहता है। हाँ जी, और फिर अक्टूबर में बंगाली ज़्यादा आते हैं। अच्छा, दिल्ली चंडीगढ़ के भी लोग आते होंगे? दिल्ली चंडीगढ़ के अभी 2-4 साल से ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, जैसा शनिवार पड़ गया तो फट आ जाते हैं इधर। अच्छा, अभी ये जो यहाँ पे टूरिस्ट जो आते हैं आपके यहाँ पे रुकते हैं या फिर कोई भी यहाँ पे गाँव में आता है, तो टूरिस्ट को आप क्या मैसेज देते हो? मतलब हम तो क्या मैसेज देंगे जी, जैसा कोई मान लो कि बिस्लेरी का बोतल से पानी पी लिया, हर कहीं नहीं फेंकना, गंदगी के बारे में बोलते हैं, सफाई अभियान चला हुआ है, अभी काफ़ी जागरूक हो गए, पहले ऐसे नहीं थे, जो करे कर जानते हो, पता ही नहीं होता था, अब गंद ज़्यादा फैल रहा है ना, इसलिए लोग ध्यान दे रहे हैं, गाँव के प्रधान पंचायत भी ध्यान दे रहे हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। शुक्रिया। पहली बार देखे हैं मैंने टेंपल्स में। मैंने बहुत लेह लद्दाख में बहुत देखे, 2012 में गया। साइड ज़्यादा है क्या ये? उनके कल्चर में बहुत ज़्यादा है ड्रैगन, हर जगह उनकी कटलरी में, प्लेट्स में भी थे ना, आर्किटेक्चर में बहुत है इनका। वो जो सुबह प्रोसेशन निकला था ना एक, तो अपने होम स्टे के आगे से, हाँ, लेके जा रहे थे वो बुक्स वगैरह से। हाँ, तो मैं और जय यहाँ तक आए थे, वो लोग यहीं आए थे और इसके अंदर गए, कोई पूजा पाठ का कुछ होता है? इधर हमको नहीं जाने दिया था उन्होंने, मतलब वो कहते कि सिर्फ लोकल्स को ही अलाउड है अंदर जाना, सिर्फ लोकल्स। हाँ, और कोई नहीं। क्या बात है। इसमें है ना जो, इसमें एक लोकलाइट ने मेरे को बताया था कि मतलब सबसे जो ओल्ड वुड है मतलब यहाँ पे जो यूज़ हुआ वो ये है अंदर का। क्या वो का आप देखें, कितना मस्त है ना कार्विंग, देख कितनी कमाल है यार, कमाल। बाकी तो मंदिर देख भाई, कहाँ है मंदिर, वो देख ले, वो मेरे को अपने होम स्टे वाला ओनर बता रहा था, ये सारे पहाड़ हैं, ये 21,000 फीट के आसपास होएगा, अभी हम 11,000 पे, सर डबल, कितना ऊंचे पहाड़ है, क्या व्यू है। ये है डमरू, इसका नाम है डमरू। क्या ले डमरू? मैं डमरू बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे बुला रहा था मेरे को नीचे से, मैं फिर ऐसे ये चोट कहाँ लगी तेरे को बता, ये चोट कहाँ से लगी बता, ये कहाँ से लगी चोट, हैं हैं डमरू आज हमारा पहला और आखिरी दिन चिटकुल में ख़त्म होता है, ये हमारा नया दोस्त स्पर्श ने इसका नाम रखा है डमरू।
जिंदगी एक नदी की तरह है, बहते पानी की तरह आगे बढ़ती है और जो जी रहा है उसे पता है कि कहाँ जाना है। तो बस फिर बह गए हम भी जीने वाले पानी की तरह एक नए सफ़र को।